हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हर एक नया टॉपिक लेकर आता हूँ, तो आज मैंने टॉप 30 टैंगमेट्स लेकर आया हूँ पैरोट फिश के लिए, जो पैरोट फिश के साथ आप आसानी से रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इससे पहले मैंने जो पैरोट फिश का पूरा साल के लिए प्रॉपर केयर के बारे में वीडियो बनाया था, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज जो मैंने 30 फिशेस का नाम बताऊँगा, वो मैंने 6 कैटेगरीज अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए आप कौन कौन सा फिश उसके साथ रख सकते हैं। वो है नंबर 1 पर टेट्रा कैटेगरीज, नंबर 2 पर है कोरी कैटफिश कैटेगरीज, नंबर 3 पर है चिगलेट कैटेगरीज, नंबर 4 पर है प्लेको कैटेगरीज, नंबर 5 है गोरामिस कैटेगरीज और नंबर 6 पे अदर फिशेज जो है वो पैरोट फिश के साथ आसानी से रख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास मेरा एक रिक्वेस्ट था, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर रखिए, क्योंकि मैंने इस चैनल पे हर एक फिश रिलेटेड नया वीडियो लेता रहता हूँ। तो चलिए बिना कुछ वक्त बिताए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 जो कैटेगरीज है वो है टेट्रा कैटेगरीज। टेट्रा कैटेगरीज में मैंने जो टेट्रा फिशेस को बायफॉर्गेट किया है वो है ब्लीडिंग हार्ट टेट्रा, कॉन्गो टेट्रा, एम्पेरर टेट्रा, डायमंड टेट्रा, कोलंबियन टेट्रा, ब्लैक फैंटम टेट्रा और है रेड आई टेट्रा। ये जो टेट्रा फिशेस को मैंने बायोफॉर्गेट किया है, आप इसको पैरट फिश के साथ रख सकते हैं, लेकिन एक बात को आपको ध्यान देना होगा, जब ये टेट्रा फिशेस एडल्ट हो जाएगा तभी इसको पैरट फिश के साथ आप रख सकते हैं, जब ये छोटा है तब इसको पैरट फिश के साथ मत रखिए, जब ये एडल्ट हो जाएगा तभी इसको पैरट फिश के साथ रखिए, इस बात को आपको टेट्रा फिश रखने के तौर पर ध्यान देना होगा। तो नेक्स्ट जो कैटेगरीज है वो है कोरिडोरस कैटफिश। कोरिडोरस कैटफिश कैटेगरीज में मैंने जो फिशेस को बायोफॉर्गेट किया वो है पांडा कोरिडोरस कैटफिश, ब्रोंज कोरिडोरस कैटफिश और है जूली कोरिडोरस कैटफिश। तो ये 3 जो मैंने कोरिडोरस कैटफिश को बायोफॉर्गेट किया है वो आप पैरट फिश के साथ आसानी से रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसके बाद जो कैटेगरीज है वो है चिगलेट कैटेगरीज। चिगलेट कैटेगरीज में मैंने जो फिशेस को बायोफॉर्गेट किया है वो है रेनबो चिकलेट, फायर माउथ चिकलेट और लास्ट में है पीकॉक चिकलेट। इन 3 चिकलेट फिशेस को मैंने जो बायोफॉर्गेट किया है वो आप पैरट फिश के साथ आसानी से रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसके बाद जो कैटेगरीज है वो है प्लेको कैटेगरीज। प्लेको कैटेगरीज में मैंने 4 प्लेको फिश को बायोफॉर्गेट किया है, वो है रॉयल प्लेको, ब्रिस्टल नोज प्लेको, सेल्फिन प्लेको और जो है लास्ट में है कॉमन प्लेको। इन 4 प्लेको फिश को आप आसानी से पैरट फिश के साथ रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जो कैटेगरीज है वो है गोरामी कैटेगरी। गोरामी कैटेगरीज में मैंने जो फिशेस को बायोफॉर्गेट किया है वो है किसिंग गोरामी, गोल्डन गोरामी और लास्ट में जो है 3 स्पॉट गोरामी। इन 3 गोरामी फिशेस को आप आसानी से पैरट फिश के साथ रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कैटेगरीज है वो है अदर कैटेगरीज। अदर कैटेगरीज में मैंने जो जो फिश को रखा है वो है एंजल फिश, शिवराम, मोनो एंजल, जाइंट एनियोस, शार्क, ऑस्कर, रेनबो शार्क, आरोना, क्लाउन लोचेस और लास्ट में है सिल्वर डॉलर। अगर आप सिल्वर डॉलर रखना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 6 क्वांटिटी में रखना होगा, क्योंकि सिल्वर डॉलर एक स्कूलिंग फिश है, एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अगर आप 1 पेयर या 2 पेयर इसको रखेंगे तो ये एलोन फील करेगा और बाद में ये मार भी सकता है। तो आप सिल्वर डॉलर जब भी रखिए आपको 6 क्वांटिटी में रखना होगा। फ्रेंड्स, यही था बेस्ट 30 टैंगमेट्स पैरोट फिश के लिए।
आप इन 30 फिशों में कोई भी फिशेस पैरट फिश के साथ आसानी से रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही फिशेस के बारे में नया नया इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।